फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आपने हैवल्स का आईकूल पर्सनल फैन को दीवार पे लगाना है। ये इसके टेक्निकल डिटेल है। 175 mm जो है इसका स्वीप एरिया है, 2 साल की आपको वारंटी मिल रही है। इस फैन की जो प्राइस जो है 2630 रुपए है, पर ये आपको ऑनलाइन 2000 रुपए का पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये इसके साइलेंट फीचर है, नॉइस फ्री है, 90 डिग्री रोटेशन, आप इसको 90 डिग्री जो है एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, और 360 रोटेशन आप बेस से इसको 360 डिग्री तक मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इजी टू कैरी है, इसके ऊपर जो है एक हैंडल दिया गया है, लाइटिंग वेट है और पोर्टेबल है। और फ्रेंड्स, आप इसको दीवार पे लगा सकते हैं, टेबल पे जैसे हमने रखा हुआ रख सकते हैं, और सीलिंग यानी कि छत पे लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम निकालते हैं और इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा तो आप ये देखिए। हमने रेड कलर का लिया है, तो हम वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे, आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसके साथ जो है आपको ये वॉल माउंटिंग जो है किट मिलेगी, और यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड। ये इसका वारंटी कार्ड है, कैसे इसने लगाना है वो सारा इसमें तरीका बताया गया है। और ये जो है इसकी किट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको आसानी से कहीं और बाजार में नहीं मिलेगी। कैसे लगाना होता है सर बताओगे? तो ये देखिए कैसे आपने लगाना है, ये तरीका समझ लीजिए और बहुत यूनिक है। तो ये देखिए एक यहाँ पर लग जाएगा, इसको हम टाइट कर देंगे, तो ये साथ के साथ टाइट ही कर रहे हैं। और इसमें जो है 2 स्पीड फैन मोड है, यानी इसमें जो आप कह सकते हैं कि लोअर स्पीड है और एक हायर स्पीड है। टेबल पे रखने के लिए आपको इसका बेस जो है ऐसे करना होगा, और यहाँ पर जो है इसका स्पीड कंट्रोलर है, हायर, लो और ऑफ। और ये देखिए ये ब्रेसलेट जो है आपने ऐसे लगानी है, तो बिल्कुल एक्यूरेट लगाना है, कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से या टेस्टर की मदद से आप ये टाइट कर लेंगे, और बहुत सिंपल तरीका है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जो हमारी किट है ये हमने इसमें टाइट कर दी है, तो 4 स्क्रू इसमें आए हैं, तो ये टाइट हो गई है। और ये देखिए कैसे आपने ये जो है आपकी दीवार में हैंग हो जाएगी, कैसे फिट होगा वो देखते हैं। ये देखिए ऐसे फिटना, ये देखिए, तो ये आपका दीवार में लग जाएगा, और फिर आपको फैन को तिरछा करके लगाना है। तो चलिए हम जो है पहले इसको दीवार पे लगाएंगे। हमारी जो ये वाली जो है ये उल्टा लग गया है, तो ये देखिए आपस में कैसे आपने लगाना है, तो इस तरफ ये वाला और दूसरी तरफ ऐसे लगाना है। तो हम दोबारा खोल कर लगा रहे हैं, तो बहुत प्रॉपरली हरेक जो हमारी ये किट मिली हुई है सही ढंग से सही डायरेक्शन में लगाना है, तभी जो है आपका फैन जो है दीवार पे माउंट होगा। और ये बाजार में आसानी से मिलता भी नहीं, ये मंगवा दोगे क्या? ये चीजें नहीं मिलती क्या? पता क्या है? प्रॉपर अब आ रहा है, तो पहले गलत लगाया था, तो कैसे आपने लगाना है ये देखिए, बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। तो इस तरह से ये तो छत पे लगाने वाला हो गया, दीवार पे भी लग जाएगा क्या ऐसे? सेम तरीका भाई। तो चलिए अब जो है दीवार में हम ड्रिल। फ्रेंड्स, ऑनेस्ट रिव्यू के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सेलर हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फ्री रिव्यू के लिए। कैसे इसको बदलना है, कई क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया इसको कैसे हम टेबल माउंटिंग में बदलें, तो कैसे करना होता है? अच्छा, हो जाता है, इसको ढीला करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, दोबारा ऊपर करना जरा, तो ये देखिए कैसे आपने ऊपर करना है और फिर नीचे कर दो। अच्छा, ऐसे लगाना है, चलो ठीक है, इसको हम लगाते हैं। तो ये देखिए, ये हम देख रहे हैं कि कहाँ से हमने लगाना है पंखा, कैसे लगाना है। तो जहाँ पर हमने पंखा टांगना है, पहले हम निशान करें कि कितना ड्रिल करना है। तो छोटा छेद करना भैया, ज़्यादा ड्रिल नहीं करना, हल्का सा छेद करेंगे हम। वैसे भी खोखी है मैं। तो ये फ्रेंड हमारे पास हेलमेट,
नेक्स्ट ब्रांड की ड्रिल मशीन है, तो हम इसका भी लिंक डाल देंगे, ड्रिल हैमर आप कह सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें जो है हमने जो छेद किया है दीवार पे, बिट्स लगा देंगे, तो इसको हैंग करना बहुत ही आसान होता है, सरल होता है। जस्ट दीवार में बिट्स लगाने हैं ड्रिल करके, और ये बिट्स जो हमने डाली है, जो ये हमने जो भी आप कह सकते हैं गिट्टी वगैरह, देख रहे हैं भैया कैसे आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, तो उसी हिसाब से ये लगाएंगे। तो बड़ी सावधानी से लगाना है, बहुत ही यूनिक इसका तरीका है। बिट्स को जो है हथौड़ी से ठोका जाता है, मतलब जो भी हमने गिट्टी लगाई है, और उसके बाद जो है ये हमारा जो वॉल माउंटिंग स्टैंड है, इसको हम टाइट कर रहे हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो सिंपल स्क्रू ड्राइवर आप यूज करेंगे। तो पहले हमने दीवार में ड्रिल किया है, फिर उसमें गिट्टी डाली है, और फिर जो है ऊपर जो है ये हमने वॉल माउंटिंग स्टैंड लगाया है, और फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर रहे हैं। हमारी एडवाइस है कि जैसे ये कर रहे हैं आप वैसा मत करें, तो ये ठोक रहे हैं, तो इससे खोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जो है ये हम अपना हैवल का फैन माउंट कर देंगे इसी स्टैंड पे। तो ये आपको वीडियो में सही ढंग से दिख नहीं रहा होगा कि कैसे ये लगा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें फंसाना है, तो बड़ी आसानी से फंस जाएगा। तो देखते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है फर्स्ट टाइम। तो उल्टा सीधा करोगे तो गिर भी सकता है और फिर नुकसान हो सकता है। बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग करनी है, देख रहे हैं या थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हमने वैसे स्टैंड बिल्कुल सही लगाया है, तरीका बिल्कुल सही है, बस सही ढंग से फंस नहीं रहा। थोड़ी सी ये पत्ती को जो है ऊंचा कर रहे हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं। हम आपको पूरा इसलिए दिखा रहे हैं कि क्या दिक्कत आती है इस फैन को लगाने में। तो सही ढंग से सेटिंग होनी चाहिए और बिल्कुल सही ढंग से लगना चाहिए। यार थोड़ा सा इनका हाथ छोटा पड़ रहा है, हाइट बस गया क्या भैया? तो इसका थोड़ा तिरछा कर दो ना, एंगल तिरछा करो ना। हाँ यहाँ भी बदल सकते हैं, ये देखिए, हाँ थोड़ा सा और कर दो थोड़ा सा, हाँ ये एंगल बदल गया, बस ठीक है। अब जो है इसको चला कर देखते हैं और फिर इसकी वायरिंग हम करेंगे। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप हमें फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा जो हैवल का आईकूल पर्सनल फैन है फाइनली फिट हो गया। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि इसका साउंड लेवल कैसा है, एयर फ्लो कैसा है। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया, ये हमने जो है हायर स्पीड पे सेट कर रखा है। तो सबसे पहले जो है हम इसका साउंड लेवल चेक करते हैं, 67 dB है हायर स्पीड पे। और अगर आप इसका एयर फ्लो चेक करेंगे एयर फ्लो मीटर से, तो ये देखिए 2.2 के आसपास है। एयर फ्लो इसका इतना अधिक नहीं है, मतलब जैसे ये हमने काफी हाइट पे लगा दिया है, आप कह सकते हैं कम से कम 8 से लेकर 10 फीट ऊंचाई पर लगा दिया है, तो एयर फ्लो जो है बहुत कम है और हमें ज़्यादा एयर फ्लो चाहिए भी नहीं था। तो ये देखिए, कागज़ से आपको पता चल जाएगा, बहुत ही मिनिमम है, बहुत कम है, मतलब इसको आपने कैबिन में पास में लगाना है। ज़्यादा हाइट पे लगाओगे तो इसका एयर फ्लो आपको फील नहीं होगा। आप ये देखिए, पेपर टेस्ट से भी आपको पता चल जाएगा, तो ज़्यादा एयर फ्लो इसका ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, शायद यहाँ पर है। एक्चुअल में डायरेक्शन थोड़ी सी गलत है, इधर है, हम देखते हैं आपको दोबारा पेपर से दिखाते हैं, यहाँ पर है इसका, इधर है। तो डायरेक्शन जो है इसकी कह सकते हैं यहाँ पर सेट हो रहा है। तो इसका जो एरिया कवर है हवा का, वो काफ़ी कम है। तो आपका अगर रूम काफ़ी छोटा है, किचन छोटी है, तभी आप खरीदें। दिखने में ये काफ़ी सुंदर है, लुक वाइज है, कॉम्पैक्ट कमरे में आ जाएगा,
और ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेगा, तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे। फ्रेंड हम वीडियो के नीचे जो है इस प्रोडक्ट का लिंक डाल देंगे, आप इसको ऑनलाइन अमेज़न से मंगवा सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, हम वीडियो के नीचे जो है अपने अमेज़न पे स्टोर का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को जो है खरीद सकते हैं। हर प्रोडक्ट की हमने कैटेगरी बना रखी है। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे यहाँ पर रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना, तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पर, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है, तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पर आएंगे।